हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दो ऐसे जाने माने मिनी ट्रकों की जो आपको हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे। जहाँ नज़र दोगे आप, वहाँ आपको एक खड़ा ज़रूर मिलेगा। तो हम उसका कंपेयर वीडियो आपको बताने वाले हैं। तो हम आज तुलना करेंगे महिंद्रा सुप्रो मैक्सी ट्रक T2 वेरिएंट, जो सबसे बेस वेरिएंट है, BS पेजियो पोर्टर 1000 की, जिसकी हम प्राइस एंड माइलेज फुल डिटेल रिव्यू आपको देखने को मिलेगा। सुप्रो में मिलेगा आपको 4 स्ट्रोक 909 cc 2 सिलेंडर डीजल इंजन, जो देता है 45 bhp की पावर, 98 Nm का टॉर्क। पेजियो पोर्टर की बात करें तो 4 स्ट्रोक 1034 cc 2 सिलेंडर डीजल इंजन, जो देता है 28 bhp की पावर और 61 Nm का टॉर्क। तो आपको सुप्रो से पोर्टर में पावर भी कम मिलती है और टॉर्क भी। सुप्रो में 45 bhp की पावर और 98 Nm का टॉर्क, पोर्टर में 28 bhp की पावर और 61 Nm का टॉर्क मिलेगा। दोनों में मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 5-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। अगर बात करें फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो आपको मिलता है सुप्रो में 33 लीटर की और पोर्टर में 27 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जो कि सुप्रो से 6 लीटर कम है। अगर बात करें माइलेज की, तो आपको सुप्रो में बजाय पोर्टर के आपको थोड़ा सा अच्छा माइलेज मिल जाता है। सुप्रो में माइलेज मिलेगा आपको 21.2 km/h का डीजल में, और पेजियो पोर्टर में मिलता है आपको 20 km/h का माइलेज, जो सुप्रो से थोड़ा सा ही कम मिलेगा। बात करें डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको चेचेस मिलेगा, चेचेस विद केबिन। अगर बात करें टिल्टेबल स्ट्रिंग की, तो ना ही तो आपको महिंद्रा सुप्रो T2 वेरिएंट में मिलती है टिल्टेबल स्ट्रिंग का ऑप्शन, ना ही आपको पेजियो पोर्टर में मिलेगा। अगर बात करें दोनों के टायर की, तो आपको महिंद्रा सुप्रो एंड पेजियो पोर्टर में 13 इंच के टायर, फ्रंट एंड रियर दोनों में 13 इंच टायर मिलेंगे। व्हील बेस मिलता है आपको महिंद्रा सुप्रो में 2050 mm का, और पेजियो पोर्टर में मिलता है 1970 mm का, जो कि सुप्रो से पोर्टर में 80 mm कम मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको ज़्यादा मिलती है पेजियो पोर्टर में बजाय महिंद्रा सुप्रो के। पोर्टर में मिलती है आपको 185 mm की, और सुप्रो में मिलती है आपको 176 mm की, जो कि सुप्रो की पोर्टर से 9 mm कम है। सुप्रो में आपको ग्रॉस वेट मिलता है 2090 kg का, और पोर्टर में मिलता है 1924 kg का। अगर बात करें पेलोड कैपेसिटी की, तो आपको दोनों ही गाड़ियों में बराबर की पेलोड कैपेसिटी मिलती है, जो कि सुप्रो एंड पोर्टर में आपको 1000 kg की पेलोड कैपेसिटी मिल जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंफर्ट की, तो आपको महिंद्रा सुप्रो मैक्सी ट्रक T2 वेरिएंट में आपको मैनुअल स्टीयरिंग मिलती है, जो कि पेजियो पोर्टर 1000 में आपको पावर स्ट्रिंग मिल जाती है। अगर आपको चाहिए सुप्रो में पावर स्ट्रिंग, तो आपको टॉप मॉडल लेना पड़ेगा, जिसका T4 T6 वेरिएंट है। अगर बात करें एसी की, तो आपको दोनों ही गाड़ियों में एसी नहीं मिलती, महिंद्रा सुप्रो में आपको एसी का ऑप्शन मिल जाता है। महिंद्रा सुप्रो एंड पेजियो पोर्टर में आपको ड्राइवर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले मिल जाती है, एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का ऑप्शन आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है महिंद्रा सुप्रो एंड पेजियो पोर्टर में। सीटों में आर्मरेस्ट ना ही तो आपको सुप्रो में मिलते, ना ही आपको पोर्टर में मिलते। सीट बेल्ट आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाती है। अगर बात करें सीटिंग कैपेसिटी की, तो आपको सुप्रो में D+1 और पोर्टर में भी D+1 सीटिंग कैपेसिटी मिलेगी, ड्राइवर के अलावा एक पैसेंजर और। नेक्स्ट बात करें सेफ्टी की, तो दोनों ही गाड़ियों में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं फ्रंट में, एंड रियर में मिलेंगे ड्रम ब्रेक।
एबीएस ना तो आपको सुप्रो में मिलता है ना ही आपको पेजियो पोर्टर में मिलेगा। सुप्रो एंड पोर्टर में आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। फॉग लाइट का ऑप्शन सुप्रो में भी नहीं मिलता और ना ही आपको पेजियो पोर्टर में मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइस की बात, तो महिंद्रा सुप्रो मैक्सी ट्रक T2 वेरिएंट तो सबसे बेस वेरिएंट है, जिसका आपको 4,90,000 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा। पेजियो पोर्टर 1,000 की बात करें प्राइस की, तो आपको 4,55,000 रुपये में एक्स शोरूम मिल जाता है, तो प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। दोनों ही गाड़ियों में आपको ट्यूब वाले टायर मिलेंगे, ना कि ट्यूबलेस टायर। लेंथ तो सुप्रो में मिलती है आपको 2500 mm की और पोर्टर में मिलेगी 2176 mm की, जो कि पोर्टर में सुप्रो से 324 mm कम है। विड्थ सुप्रो में मिलती है आपको 1540 mm की और पोर्टर में मिलेगी 1460 mm की, जो कि पोर्टर में सुप्रो से 80 mm कम है। हाइट की बात करें सुप्रो में मिलती है 303 mm की और पोर्टर में मिलती है 320 mm की, जो कि पोर्टर में सुप्रो से 10 mm कम है। तो ये था छोटा सा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक यू एंड धन्यवाद।